इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे थे मुझे मृत समझकर? तुमने सोचा कि मेरे त्रिशूल मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? वानर, तुमने तो उन्हें मेरी देह तक पहुंचाकर मुझे पुनः सज्जित कर दिया युद्ध के लिए। कदाचित कहीं पहुंचने की शीघ्रता में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे इस दानव की मृत्यु के रहस्य के बारे में शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। कोई तो उपाय होगा इसकी मृत्यु का। कदाचित असीम ताड़ना से यह स्वयं ही मृत्यु का भेद बता दे, अन्यथा कोई और युक्ति अपनानी होगी। क्यों सोच सोच कर अपने मस्तिष्क को कष्ट दे रहे हो तुम? मेरे अंत का उपाय नहीं मिलेगा तुम्हें। ये अब कहां चला गया? अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है? सेनापति कालजीत, ये तुम दोनों ने क्या किया लवकुश? मुझे आशा नहीं थी कि आप होंगे। मुझे भी आशा नहीं थी कि हमारा सामना तुमसे एक शत्रु की भांति होगा। अश्व को बंदी बनाने वाला शत्रु है हमारा। मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब ये भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो। ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम, स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब। ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लवकुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए वो दोनों? भीड़ता छोड़ो बालको, भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। तुम्हारी वीरता देखी है मैंने, सम्मान भी करता हूं उसका, इसीलिए तुम्हें अब तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक बार सेना को पराजित करके कुछ अधिक ही आत्मविश्वास में आ गए हो तुम दोनों।
कहीं ऐसा ना हो कि यही आत्मविश्वास तुम्हें समझाना छोड़िए, बाण चलाइए अपना या फिर मेरे बाणों का प्रत्युत्तर दीजिए। बहुत समय बीत गया, लेकिन काकाश्री का कोई संकेत नहीं। क्या करूं मैं? संभालिए अपना धनुष। कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए, श्री राम का अपमान हुआ है ना, तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस मेरे सहनशीलता की सीमा लांघ चुके हो तुम दोनों। को बात करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमार को आहत ना कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो। दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये? कदाचित मेरे लवकुश पर कोई संकट तो नहीं है? हनुमान पुत्र कहाँ हो तुम? अब इसे कहीं और भागने नहीं दूंगा मैं। हनुमान पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर, कदाचित संकट में है वो। कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लवकुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, किंतु मैंने उन ऋषिवर को वचन दिया था। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। इसलिए किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु का भेद जानकर ही इसका अंत करना ही होगा मुझे। धर्म की रक्षा करने वाले वानर, शपथ है मुझे, तुम्हारा अंत करने के पश्चात धर्म के अनुयायियों को मिटा दूंगा मैं इस धरती से। कोई आश्रम, कोई यज्ञ नहीं बच पाएगा इस संसार में। अगर कोई रहेगा तो एकमात्र त्रिशूल रोम होगा। त्रिशूल की शक्ति के साथ ही वरदान भी है मुझे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा जिससे किसी दूसरों को आहत किया जा सके उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। वानर मैं त्रिशूल रोम अविजित था और अविजित रहूंगा। वानर इस धरती का कोई भी योद्धा
अपने किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा संहार नहीं कर सकता, कदापि नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। बुरे का अंत होकर ही रहता है त्रिशूल रोम। प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी मृत्यु का कोई न कोई उपाय ढूंढ कर मैं तुम्हें वैदिक यज्ञादि में विघ्न डालने से और धर्म पालकों को पीड़ा पहुंचाने से रोक कर ही रहूंगा। तुम स्वयं मुझे अपने मृत्यु का भेद बताओगे राक्षस? अवश्य ही कोई असाधारण दिव्य वानर है, कदाचित मेरी भलाई यहां से भागने में ही है। सखा, यदि वास्तव में इसने मुझे बंदी बना लिया और मेरी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लिया तो महासंकट छा जाएगा मुझ पर। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। इस पवन अस्त्र को रोकने का प्रयास करता हूं। मुझे इसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई से शत्रुघ्न जी पर अपने बाण लक्षित करने चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारा अंत करके लौट जाऊंगा मैं। इस वानर के विभिन्न भयंकर रूप देखकर क्यों भयभीत हो गया मैं? मेरे वध का तो कोई उपाय ही नहीं, ये तो क्या कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। ये राक्षस लघु आकार क्यों ले रहा है? शीघ्रता से लौटने के लिए तुम तत्पर हो गए वानर, किंतु मुझे शीघ्रता नहीं है। यदि तुम मेरा अंत चाहते हो तो पीछा करो मेरा, ढूंढो मेरे वध का उपाय, अन्यथा तुम्हारे साथ यहाँ धर्म कर्म और यज्ञादि का अंत करूंगा मैं। ये तो अपने लघु आकार में कंदरा के भीतर चला गया। मेरे बाण तो इस पवन अस्त्र के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा बाण शत्रुघ्न जी को आहत करने ही वाला था। एक और बाण चलाता हूँ।
काका शत्रुघ्न की माला, कहीं उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ? शक्ति से प्रभावित हो रहा है कुश। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। ओह, तो कुश ने मुझे इसलिए दूर भेजा जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं और वो इसका प्रहार अपने ऊपर ले ले? नहीं, मैं कुश को कुछ नहीं होने दूंगा। कुश, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी वो उड़कर दूर क्यों चला गया? दोनों में से किसी का भी कोई अहित हो तो मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी स्वामी से कि मैं हमारे पुत्र को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकी? अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी कहां तक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि लवकुश और यज्ञ के अश्व को लेकर मुझे जो आभास हो रहे हैं वो सत्य हैं, यदि उनका कोई अनिष्ट हुआ तो मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के समक्ष कैसे जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं समय पर वहां क्यों नहीं था जहां मेरी आवश्यकता थी? मुझसे छुटकारा पाकर कहीं भी पहुंचने का विचार त्याग दो वानर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहीं से इसके स्वर की ध्वनि उत्पन्न हुई है, अर्थात ये दुष्ट वहीं कहीं है। ये क्या, तुम्हारा वार तो व्यर्थ हो गया वानर।
बावले हो गए हो क्या वानर? स्फटिक है वो, मैं नहीं। वानर, मैं तुम्हारे साथ यूं ही क्रीड़ा करता रहूंगा और तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। इस राक्षस का प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है मुझे, किंतु ये स्वयं कहाँ है? वानर, अति आनंदित हो रहा हूँ मैं तुम्हारे जैसे वानर के साथ क्रीड़ा करकर। चलो प्रहार करो, ये गदा प्रहार वाला वानर नृत्य अत्यंत मनोरंजक है मुझे। चलो वानर, प्रारंभ करो। ये तो मुझे यहीं उलझा कर रख रहा है। मैं इस कंदरा को इस राक्षस की क्रीड़ा स्थली नहीं बनने दूंगा। लव, उठो लव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लव उठो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे लवकुश पर कोई बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है? मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कुश, आह, ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। उठो लव, उठो। बच्चों की क्रीड़ा स्थली नहीं है ये, इतना तो समझ ही गए होंगे ना तुम दोनों। इस युद्ध स्थली में मेरे भ्राता को आहत किया आपने, अब आपको युद्ध में मेरा सामना करना होगा। अपने मुख से कुछ भी कहने के पूर्व विचार कर लो बालक, तुम रघुकुल के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप हमें रघुकुल और उसकी सेना से भयाक्रांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे पराक्रम से परिचित नहीं हैं। परिचित तो तुम्हें हमसे होना चाहिए। मैं पुष्कल हूँ, मैंने अपनी बाल अवस्था में काका शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ मिलकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। उस समय भी हमें कोई नहीं रोक सका था और ना अब कोई हमें रोक पाएगा। इतिहास पुनः दोहराएंगे हम। अवश्य, इतिहास रघुकुल के महाशक्तिशाली योद्धाओं से उनके वचन नहीं अर्थात उनके पराक्रम के लिए स्मरण करने की अपेक्षा रखता है। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो, अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध लौटा दो अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। बालको, आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन
बहुत कर चुके, अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए। प्रतीत होता है यहां पर अष्ट सिद्धियों का किसी ने आवाहन किया है। दो प्रकाश स्तंभ, अर्थात मुझे जो आभास हो रहा था वो उचित था। अवश्य ही लव और कुश दोनों किसी संकट में हैं। ओहो, प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा संकट में है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है, किंतु वानर मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां उलझाकर रखने में मुझे और भी आनंद आएगा। क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखने का कोई लाभ नहीं वानर। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ना कोई अस्त्र शास्त्र, ना कोई पशु और ना ही कोई यंत्र मेरा अंत कर सकते हैं। कोई भी नहीं, त्रिशूल रोम हूं मैं। ये स्वयं अपनी मृत्यु का भेद उजागर नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही कहता है ना ये कि किसी को आहत कर सके ऐसी कोई वस्तु इसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्थात जिससे किसी को हानि नहीं होती उससे इसे हानि हो सकती है। भगवान के भजन से और किसी को नहीं किंतु इसे क्षति पहुंची थी। मैं तुम्हें समस्त विद्याओं के साथ साथ समस्त कलाओं की भी शिक्षा दे रहा हूं हनुमान, जो समय समय पर तुम्हारी सहायता करेंगी। वानर किस विचार में उलझ गए? दुष्ट राक्षस, अब तुम मुझे और अधिक उलझा कर नहीं रख सकोगे। तुम्हारे वध का अस्त्र प्राप्त हो गया है मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या है ये विलक्षण अस्त्र? मेरे गुरु सूर्यदेव और माता सरस्वती से प्राप्त हुई मेरी संगीत की शिक्षा, गुंड क्रिया राग। सागर तारक रघुराई, मन मोहक छवि चित हर्षाई। भव सागर तारक रघुराई, मन मोहक छब चित हर्षाई। बंद करो ये। रघुवंशी अयोध्या धाम के है नाम सहस्त्र श्री राम के। रघुवंशी अयोध्या धाम के है नाम सहस्त्र श्री राम के। देखे कबीर को धाम
भक्त छवि चित हर्षाई। लवकुश और यज्ञ के अश्व का कोई अहित होने के पूर्व मुझे शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। आपके बाण कुश के बाणों को रोक सके उसके पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्व की भांति इस बार भी बिना किसी कठिनाई के मैं इन बाणों को रोक लूंगा। इस बाण ने तो काकाशी को चकित कर आहत कर दिया उन्हें, किंतु मैं सचेत रहकर अपना बचाव करूंगा। हनुमान कहाँ है? इन बालकों को रोकने के लिए हनुमान को वहां होना चाहिए था। प्रणाम प्रभु श्री राम। प्रभु, हनुमान तो राक्षस त्रिशूल रोम को रोकने के लिए गए हैं, जो हमारे आश्रम यज्ञ आदि को नष्ट करने के पश्चात अब यहां आकर आपके अश्वमेध यज्ञ को भी हानि पहुंचाना चाहता था। यदि हनुमान नहीं है तो भ्राता भरत आप जाइए और समझाइए उन बालकों को कि अपने साथ राष्ट्र की भलाई के लिए मुक्त कर दें। अवश्य भ्राता। भैया, मैं भी भरत भैया के साथ जाता हूँ। यदि वो बालक इनके समझाने से नहीं समझे तो मैं उन्हें बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी और अनिष्ट होने के पूर्व हनुमान को वापस लौटना चाहिए। ये कैसा अनर्थ है? किसका कृत्य है ये? अब ये कौन है जो प्रभु श्री राम की सेना की ऐसी दुर्गति कर दी? ये जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। Thank you.
कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। अब जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? है इतना साहस तुम में? ज्ञात है मैं कौन हूं? अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दबासोर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। आओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब इनके महायोद्धाओं के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। गर्दबासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध, वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए,
हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस, बस, बस। अब एक और शब्द बोलने का दुस्साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी दो सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालको, ना तो हम पराजित होने आए हैं, ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं। हम तो मात्र तुम्हें ये समझाने आए हैं, जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं, तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। से शीघ्र छुटकारा पाकर यहां से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो। अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर के द्वारा। तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे, मेरी। तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहाँ पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम चाहो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे, इसीलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्मपालक देवताओं के स्वर्ग लोक पर होगा। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो, सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।
ये अवश्य हनुमान और गर्दभासुर के युद्ध का परिणाम। आओ वानर, आओ, वार करो मुझ पर। रुक क्यों गए तुम? अवश्य तुम मुझे अपने किसी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। तब तुम्हें किस बात की चिंता है वानर? आओ वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हो गया विश्वास वानर कि मैं सत्य कह रहा था। यदि ये इसकी माया नहीं है तो मेरे कारण स्वर्ग लोक को गंभीर क्षति पहुंच रही होगी। इस पर वार किए बिना इसे पराजित करने का उपाय ज्ञात करने की चेष्टा करता हूँ। तुम्हारे मुख से बहुत ही धृष्टतापूर्ण वचन निकल रहे थे ना? अब साहस है वैसे शब्द बोलने का? अवश्य, किंतु उसके पूर्व आपके बनाए ये बंधन तो तोड़ दो। अस्त्र छोड़ दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस बंधन से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है हम। कुश, यदि हम इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकते तो इसे दूसरे स्थान पर तो लेके जा सकते हैं। तुम्हारा गदास्त्र भी मेरे जाल को नहीं तोड़ सकेगा। प्रभु की कृपा से जैसे ही मुझे तुम्हारे वध का उपाय ज्ञात होगा उसी क्षण बिना रुके तुम्हारा वध करूंगा मैं। तब तक तुम मेरे द्वारा संहार करने से नहीं बचोगे। वानर, तुम्हारा अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान स्वर्गलोक की रक्षा के लिए इस पर वार नहीं कर रहे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा हनुमान उस दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध करने भी उलझ जाएंगे और लव कुश कोई और अनर्थ कर बैठेंगे। देखा आपने, हम मुक्त हो गए। अब लीजिए हमारे बाणों का सामना कीजिए। बालक बिना किसी लक्ष्य के बाण क्यों चला रहे भैया को मूर्छित कर दिया उन्होंने। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये क्या, अब ये तो एक और चुनौती उत्पन्न हो गई। हाँ, इन्होंने तो बाणों की जैसे वर्षा कर दी है, अब इन बाणों का सामना कैसे करें? स्वर्ग लोक को हानि पहुंचाए बिना इस राक्षस पर वार कैसे करूं, कैसे अंत करूं इसका? बड़े अचरज की बात है, मेरे इतने प्रहारों के बाद भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं मेरे समान इसे भी तो कोई वरदान प्राप्त नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपके वरदान के कारण हनुमान उस दुष्ट गर्दभासुर को परास्त नहीं कर पा रहे, वो उसके सारे भार अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि लव और कुश को कोई रोक सकता है तो वे हनुमान ही हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का उस दुष्ट राक्षस की माया से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। गर्दभासुर ने कठोर तप कर मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि त्रिदेवों में से कोई दो त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति ही उसका वध कर सकती है। हनुमान के रूप में मेरा अंश वहां उपस्थित है। आप शीघ्र जाकर विष्णु देव से सहायता की गुहार कीजिए। प्रणाम प्रभु। मेरे प्रहार सहते सहते कहीं क्लांत तो नहीं हो गए वानर? राम कार्य और धर्म कार्य में हनुमान कभी क्लांत नहीं होता राक्षस, किंतु प्रभु कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी श्वास अवश्य क्लांत होगी, तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि मुझे आभास हो गया है तुम्हारा अंत अब समीप है। नहीं वानर, नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा अंत समीप है। तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ वानर। जो धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका अंत तो अवश्य होगा। मैं उस राक्षस गर्दभासुर का अंत करने के लिए रुद्रांश हनुमान का साथ दूंगा। है कोई दिव्य शक्ति लोमड़ी रूप में मेरी सहायता के लिए आई है। अवश्य कोई राक्षस है जो मेरी सहायता के लिए यहां आया है। देखो वानर, एक और राक्षस मेरी सहायता के लिए यहां आया है। अब तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता वानर। हम मिलकर तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे जो देवता भी कांप उठेंगे तुम्हें देखकर। विश्वास नहीं होता कि ये कोई अन्य राक्षस है जो इसकी सहायता के लिए यहां आया है। मुझे तो ये प्रभु विष्णु के अवतारों के समान कोई भव्य दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है।
देख क्या रहे हो लोमड़ी रूपी राक्षस? इस वानर का अंत कर दो, इस पर आक्रमण कर इसका अंत करो, फिर हम उन सभी का अंत करेंगे जिनकी धर्म के प्रति अंधश्रद्धा है। तो वानर ने तो हम दोनों को साथ देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। लोमड़ी राक्षस, कदाचित ये इसका मिथ्या प्रपंच है। ये जितना सरल और निश्चल दिखता है नहीं वो, और वैसे भी हम राक्षसों को तो निश्चल और निरीह प्राणियों का संहार करने में बड़ा आनंद आता है। तो आओ दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। ये मूर्ख लोमड़ी मेरी ओर क्यों बढ़ रही है? उस दंड वानर पर आक्रमण करो। अर्थात मुझे उचित आभास हुआ था, ये दिव्य लोमड़ी का आगमन मेरी सहायता के लिए ही हुआ था। अब तक तो बालक समझकर तुम पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब लो और इसका सामना करो। प्रतीत होता है इन धनुर्धारी रघुवंशी योद्धा को हमारी धनुर्विद्या दिखाने का समय आ गया है। अभी भी समय है, अयोध्या लौट जाइए, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो अन्य रघुवंशी के साथ हुआ। पराजित होंगे आप भी। तुम दोनों को बंदी बनाए बिना कदापि नहीं जाऊंगा मैं। दिव्य पास प्रकट हो। राक्षस नहीं, तब तो अवश्य देवताओं ने भेजा है तुम्हें, किंतु मूर्ख देवताओं को ये ज्ञात नहीं कि स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त है मुझे। तुम जैसे तुच्छ पशु मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। त्रिदेवों में से कोई एकाकी आकर मेरा वध नहीं कर सका। घूरने से नहीं, त्रिदेवों में से कम दो देवताओं को एक साथ उपस्थित होकर एक ही समय पर आक्रमण करने से मेरा वध संभव है। ये तो विष्णु देव है। प्रभु, अब इस राक्षस के अंत का समय आ गया है।
तो शिव और विष्णु एक साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा? जो भी है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। कहाँ जा रहे हो राक्षस? अब मेरा बार सहने के लिए नहीं रुकोगे सखा? प्रभु, मेरी सहायता के लिए आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ प्रभु, आप स्वयं विष्णु देव की ही शक्ति का स्वरूप हैं। इसलिए प्रभु, मुझे मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम के रूप में ही दर्शन देने की कृपा करें। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विनती विष्णु सो कपिराई, राम रूप महादर्शन पाई। बंधक अश्व सुधी तब आए, चले कपीश रण भूमि सहाय। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमारे द्वारा भी दिव्य फांस के प्रयोग का समय आ गया है। हाँ, और कपिश्रेष्ठ द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करने का भी उपयुक्त समय आ गया है। मुझे तो शीघ्र ही अश्व की रक्षा के लिए जाना है, और ये भी ज्ञात करने जाना है कि लवकुश ने अष्ट सिद्धि की शक्तियों का आवाहन क्यों किया। वो किसके विरुद्ध उसका उपयोग कर रहे हैं? तो अब तुम मेरे दिव्य फांस में बंधी गए बालक।
कितने सूर्यवंशी योद्धाओं को पराजित कर चुके हैं ये दो। अब तो कदाचित मुझे स्वयं जाना होगा। पुष्कर, भैया भरत सब मूर्छित कैसे हो गए? और ये लवकुश वहां क्या कर रहे हैं? भैया लक्ष्मण बंधे हुए हैं और वो भी मूर्छित हैं। ये कैसा अनर्थ है? अवश्य ये कार्य लवकुश का ही है, इसलिए इन्होंने अष्ट सिद्धियों का आवाहन किया था। लव, हम ये अश्व माता को भेंट देंगे, वो हमारे पराक्रम से अवश्य प्रसन्न होंगी। नहीं, वो कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। प्रणाम कपि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा है कि आप स्वयं आकर हमारे पराक्रम और आपके द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। आपकी शक्तियों से हमने इन्हें परास्त किया है और माता के लिए ये अश्व और इन्हें ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, माता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। ये तुम दोनों क्या कर बैठे? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें बंदी बनाया है तुमने, जिन्हें तुमने मूर्छित किया है, वो कौन है? ये प्रभु श्री राम की सेना है और ये उनके भ्राता हैं। प्रभु, क्या आप भी श्री राम को प्रभु मानते हैं? प्रभु को प्रभु ना मानूं तो फिर मैं क्या मानूं? मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हें प्रभु मानता है। समस्त देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के भी वो आराध्य हैं। प्रभु के तो अनेक सेवक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। और प्रभु का सेवक होने के नाते मैं उनकी सेना और उनके भ्राताओं को इस अवस्था में नहीं देख सकता। इन्हें और अन्य सेवकों को मुक्त करने दो मुझे। यदि आप भी इन रघुकुल के योद्धा की ओर तनिक भी आगे बढ़े तो आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? कपि श्रेष्ठ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उचित यही होगा कि आप हमारे ओर श्री राम की सेना के मध्य ना ही आए, अन्यथा हमें विवश होकर आपसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु के पुत्र प्रभु के ही विरुद्ध? कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं इन्हें कि तुम जिन प्रभु श्री राम के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। क्या सोच रहे हैं कपि श्रेष्ठ? युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, अन्यथा हमें अश्व लेकर जाने दीजिए। बालकों, जिन श्री राम के विरुद्ध तुम युद्ध कर रहे हो वो भगवान विष्णु देव जी के अवतार हैं। उनके रामायण को तुमने कंठस्थ किया है, यत्र तत्र उनका गुणगान किया है और अब उन्हीं के विरुद्ध ये सब, ये कदापि उचित नहीं है। आपके मत से हम सहमत नहीं हैं। आपकी अपने प्रभु के प्रति अंध भक्ति है ये, जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं और इसलिए माता सीता के प्रति किए गए श्री राम के अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं आप। तुम दोनों अबोध हो लवकुश, उस राज धर्म को नहीं समझ पाओगे जिसके कारण उन्हें
ऐसा करना पड़ा। उनके प्रति वैर भाव का त्याग करके अश्व को सम्मान सहित लौटा दो। सलाह देने के लिए धन्यवाद कपि श्रेष्ठ, किंतु इससे आप हमारे विचार परिवर्तित नहीं कर सकते। और कोई कार्य आरंभ किया जाए तो उसे पूर्ण करना आवश्यक है। अतः अश्व को पकड़ा है तो उसे हम आश्रम लेकर ही जाएंगे। पग पीछे खींचने वाले भीरु होते हैं और हम भीरु कदापि नहीं हैं। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जिन्हें अश्व लेना है वो हमसे युद्ध करें। हमें परास्त करें और ले जाएं अश्व को। कपि श्रेष्ठ, जिन श्री राम की शक्ति पर आपको अपार विश्वास है, उसी शक्ति और विश्वास से हमारा सामना कीजिए। बालक हैं आप दोनों, आप दोनों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मैं। बालक मत समझिए हमें, अपनी माता के आशीर्वाद से वीर हैं हम, पूर्ण योद्धा हैं हम, जिनका प्रमाण है इन सब की ये दशा। इसलिए आगे बढ़िए और अश्व पर जो संदेश लिखा है वो कीजिए। ये संदेश पढ़कर ही हमने इस अश्व को बांधा है। शपथ है हमारी पुण्यवती माता की, युद्ध में परास्त हुए बिना हम अश्व नहीं छोड़ेंगे। योद्धा है हम, योद्धा की भांति सम्मान एवं व्यवहार की अपेक्षा है हमें। युद्ध कीजिए हमसे। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। समय ये विद्युत क्यों कड़क रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशाएं लवकुश तक कुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट ना घटित। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्रों को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेतावस्था में पहुंच जाएंगे तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कपि श्रेष्ठ, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम। अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लव, तुमने देखा, ये कपि श्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं क्रीड़ा कर रहे हैं।
किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। ये अग्नि कहीं अन्य सैनिकों को आहत न कर दे। सखा, तुम सत्य कह रहे थे कुश, ये कपिश्रेष्ठ मात्र रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, आक्रामक नहीं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही अश्व की मुक्ति। हाँ, इस प्रकार समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। एक कार्य करो, तुम अश्व को लेकर जाओ। कपिश्रेष्ठ के साथ ये युद्ध की क्रीड़ा मैं कर लूंगा। तुम लौट कर आओ, फिर हम इस अश्व के साथ क्रीड़ा करेंगे। ये सुंदर अवश्य है, किंतु कोई विशेष अश्व नहीं है, इसलिए कपिश्रेष्ठ इसे मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ लव, ले जाओ अपने साथ इस साधारण अश्व को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे। चाहे तो इसे गधर्भ की भांति छकड़े में जोतकर इससे भार ढोने का कार्य ले सकते हैं। बस तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी कौशलता पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रभु की उस भक्ति पर, जिसका आप बार बार बखान करते हैं। अपमान कर रहे हैं आप अपने प्रभु का, जिनके सौंपे हुए कार्य को आप गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। जय श्री राम। लव कुश आक्षेपा कपिराई, रौद्र रूप पवन सुत आई। तू किशोर अवाक अचंभित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। क्रुद्ध हो उठे हैं हनुमान, रुद्र रूप धारण कर रहे हैं ये। हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत न कर दे। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। हे महान योद्धा, अब हमें भी युद्ध का आनंद आएगा। आप जैसे योद्धा से युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा अब हमें। अब होगा एक अविस्मरणीय युद्ध। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हे माता ललिता देवी, यदि मैं अपने तन मन एवं आत्मा से पतिव्रत नहीं तो मेरे पुत्र पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मां, Oh!
मैनेज करना होगा मास्टर। आपकी गर्जना से भयभीत नहीं होने वाले हम। अब देखिए हमारा शर संचालन। संभालिए मेरा वार। लव, धूम्रास्त्र का वार करो जैसे लक्ष्मण जी ने तुम पर किया था। विफल नहीं करने दूंगा मैं आपको कपी श्रेष्ठ। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। हनुमान का ये रौद्र रूप बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है। यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने, अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपिश्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है। अब देखना लव, शीघ्र ही धूम्रास्त्र के चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपिश्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपिश्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो।
कुश, इन शिलाओं को कपि श्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें उसके पूर्व भी हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें। हाँ लव, और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपि श्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो, इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपि श्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा, तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जिन्हें अश्व लेना है वो हमसे युद्ध करें, हमें परास्त करें और ले जाएं अश्व को। कपि श्रेष्ठ, जिन श्री राम की शक्ति पर आपको अपार विश्वास है, उसी शक्ति और विश्वास से हमारा सामना कीजिए। बालक हैं आप दोनों, आप दोनों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मैं। बालक मत समझिए हमें, अपनी माता के आशीर्वाद से वीर है हम, पूर्ण योद्धा है हम, जिनका प्रमाण है इन सब की ये दशा। इसलिए आगे बढ़िए और अश्व पर जो संदेश लिखा है वो कीजिए। ये संदेश पढ़कर ही हमने इस अश्व को बांधा है। पुण्यवती माता की युद्ध में परास्त हुए बिना हम अश्व नहीं छोड़ेंगे। योद्धा है हम, योद्धा की भांति सम्मान एवं व्यवहार की अपेक्षा है हमें। युद्ध कीजिए हमसे। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। ये विद्युत क्यों कड़क रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशाएं लव कुश तक कुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट ना घटित। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लव कुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेता अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है, दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कमिश्नर, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम।
अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लव, तुमने देखा, ये कपिश्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं क्रीड़ा कर रहे हैं। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। अग्नि कहीं अन्य सैनिकों को आहत न कर दे। सखा, तुम सत्य कह रहे थे कुश, ये कपिश्रेष्ठ मात्र रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, आक्रामक नहीं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही अश्व की मुक्ति। हाँ, इस प्रकार समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। एक कार्य करो, तुम अश्व को लेकर जाओ। कपिश्रेष्ठ के साथ ये युद्ध की क्रीड़ा मैं कर लूंगा। तुम लौट कर आओ, फिर हम इस अश्व के साथ क्रीड़ा करेंगे। ये सुंदर अवश्य है, किंतु कोई विशेष अश्व नहीं है, इसलिए कपिश्रेष्ठ इसे मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ लव, ले जाओ अपने साथ इस साधारण अश्व को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे। चाहे तो इसे गधर की भांति छकड़े में जोतकर इससे भार ढोने का कार्य ले सकते हैं। बस तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी कौशलता पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रभु की उस भक्ति पर जिसका आप बार बार बखान करते हैं। अपमान कर रहे हैं आप अपने प्रभु का, जिनके सौंपे हुए कार्य को आप गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। जय श्री राम। लव कुश आक्षे पाक पिराई, रौद्र रूप पवन सुत आई। तू किशोर अवाक अचंभित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। गाथा महाबली हनुमत की
रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रुद्र हो उठे हैं हनुमान, रुद्र रूप धारण कर रहे हैं ये। हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत न कर दे। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। हे महान योद्धा, अब हमें भी युद्ध का आनंद आएगा। आप जैसे योद्धा से युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा अब हमें। अब होगा एक अविस्मरणीय युद्ध। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? माता ललिता देवी, यदि मैं अपने तन मन एवं आत्मा से पतिव्रत नहीं तो मेरे पुत्र पर कोई आज नहीं आनी चाहिए। मां आपको आज नारी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को प्रमाणित करना होगा। मां की गर्जना से भयभीत नहीं होने वाले हम। अब देखिए हमारा शर संचालन। अब समकक्ष है हम, संभालिए मेरा वार। रूप बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है। यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने, अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे
तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपि श्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है। अब देखना लव, शीघ्र ही धूम्रास्त्र के चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपि श्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपि श्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो। कुश, इन शिलाओं को कपि श्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें उसके पूर्व भी हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें। हाँ लव, और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपि श्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो, इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपि श्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ये तो अनर्थ हो गया, अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य, अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपि श्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए, अब आपके परिवार के बिछो का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं।
उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे, परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और, प्रभु से मिलन होते ही लवकुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण, प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे, उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को, इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि, क्या वो निकट ही कहीं है? माता लगिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है? एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सब आए, और दूसरी ओर मेरे स्वामी की निकटता का आभास, क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण बल्ला, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम, अच्छा हुआ पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। आज सभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई, देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने, इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है, मुझे शीघ्र ही। ये प्रणाम है हमारा उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधता वश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक
एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा। पुत्र क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं? इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु। सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान? सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र, इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं। और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए, यदि चाहे तो। प्रभु श्री राम की जय श्री। उनसे दूर चली गई है, अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। नहीं प्रभु, ये बालक आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। बालकों, शूरवीर होना अच्छा है, किंतु वीरता के अभिमान को अपने मस्तक पर मत चढ़ने दो, अन्यथा ये शौर्य अहंकार में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगेगा और आपका नियंत्रण इस पर से छूट जाएगा। अतः अहंकार को स्वयं पर नियंत्रण मत करने दो। आपकी रघुकुल से कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इसे मेरी अंतिम चेतावनी मानकर अश्व को मुक्त कर दीजिए। यदि आपको अश्व चाहिए तो विनती मत कीजिए, युद्ध कीजिए और मुक्त करा लीजिए अश्व को। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। हाँ, अब मुझे ही मिलन कराना होगा प्रभु के परिवार। जय श्री राम। आप दोनों अबोध हैं, इसलिए धनुष उठाने से पूर्व मैं आप दोनों को पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि मेरे बाण की कोई काट नहीं। मेरे बाणों से
ताड़का, कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबली राक्षस भी संहार से नहीं बच सके। इसलिए राम बाण की भीषणता को पहचानिए और युद्ध से पीछे हट जाइए। हमें सब ज्ञात है राम बाण के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि जय पराजय मनुष्य के वश में नहीं है। हम योद्धा हैं और योद्धा जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब चाहे स्वयं भगवान विष्णु भी सम्मुख आ जाए हमारे, हम अपने पग पीछे नहीं हटाएंगे। लवकुश तो अपने बालपन में अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि इनमें संग्राम हुआ तो न जाने क्या परिणाम होगा। न जाने क्या हो रहा है आज, ऐसी व्याकुलता तो जीवन में पहले कभी नहीं हुई। माता, पुत्र, माता, हनुमान शीघ्र बता, सब सकुशल तो है ना। माता, कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। तीनों लोक और चौदहों भुवन अपना अस्तित्व खो बैठेंगे माता, यदि शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र, किसे नहीं रोका गया। माता, उस युद्ध को जो शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, प्रभु श्री राम एवं लवकुश के मध्य। मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध। हाँ माता, वे तो पहचान ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। प्रभु सूर्य हैं तो लवकुश उनका ताप, यदि प्रभु सागर है तो लवकुश उसका जल। माता, सूर्य अपने ही ताप को नहीं निकल सकता, सागर अपने ही जल को भला कैसे पी सकता है। माता, अब इस महासंग्राम को केवल आप ही रोक सकती हैं। माता, प्रभु किसी भी क्षण अपने राम बाण का संधान करके लवकुश पर चला सकते हैं। माता, आपको तो ज्ञात है यदि एक बार राम बाण प्रभु के धनुष से छूट गया तो फिर उसे रोकना किसी के वश में नहीं है। माता, माता आप शीघ्र चलिए, चलिए माता। को राम बाण ही रोकी। मैं समझ गया माते। शीघ्र चलिए। प्रतीत हो रहा है प्रभु अपने बाण का संधान कर रहे हैं। ये देखिए माता,
नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी अपने ही पुत्र अपने बाण का लक्ष्य नहीं बना सकते। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, संसार के उस प्रलय से रक्षा कीजिए जो मेरे पुत्रों को होने वाले अनिष्ट से उत्पन्न हो सकता है। हे रघुनंदन, दया कीजिए, रोक लीजिए इस अनर्थ को। किसका बाण है ये? रामबाण? ये तो मेरा ही बाण है जो मैंने इन बालकों को दिया था। ये तो आश्रम में था, यहाँ पर कैसे आ गया? किंतु मेरे अतिरिक्त और कौन कर सकता है इस रामबाण का संग्रह? सीते? हाँ, माता सीता को पुकार रहे हैं ये? हाँ, किंतु क्यों? श्रेष्ठ वहां कैसे आए? इन्हें तो हमने तो कपिश्रेष्ठ मुक्त हो गए दिव्याभास से। सीते, प्रिय सीते, प्रिय सीते, श्री राम कपिश्रेष्ठ की ओर देखकर बार बार माता सीता का नाम क्यों ले रहे हैं? माता, मेरी सीते, ये श्री राम हमारी माता को ये मेरी सीता कहकर क्यों बुला रहे हैं? Thank you.
अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम, माता सीता एवं उनके दोनों पुत्रों का एक सुखद मिलन होने वाला है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देखे जा रहे हैं? हमारी माता का श्री राम से क्या संबंध हो सकता है? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। समय सत्य को उजागर कर ही देता है, इसीलिए व्यक्ति को परिस्थिति और समय दोनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।